अस्सलामुअलैकुम जनाब, आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। एक इतना तवील रेस्ट तो नहीं, लेकिन रेस्ट किया है बहरहाल, और उसके बाद अब निकल रहा हूँ मैं रंग। ये कोटला फेस्टिवल है, कोटला आज़ाद कश्मीर में, और उसके बाद फिर मैं वो 12-13-14 को है वो अटेंड करके फिर मेरा प्लान है कि मैं निकल जाऊं आगे नीलम वैली में। तो दिस इज़ द प्लान, देखते हैं कैसा रहता है। लेट हो गया हूँ, 6 बजे पहुँचना था और अब टाइम हो गया ज़्यादा। जिस तरह से है कि कोटला फेस्टिवल के लिए मैं यहाँ से जा रहा हूँ सवार ग्रुप के साथ, और गैदरिंग पॉइंट वही है शेल पेट्रोल पम्प, जहाँ पे सुबह 6 बजे गैदरिंग होती थी, जिसको मेरा ख्याल है मैंने मिस कर दिया क्योंकि आप आओगे 7 बजने वाले हैं। ये नीचे का रोड जो है ना वो इंतहाई ख़राब है। अब बात मुझे ये नहीं समझ लगती कि हैवी गाड़ियों का, चलो समझ लगता है कि यार हैवी गाड़ियाँ हैं उनको रुको ना जाने दो, लेकिन जो बाइक है उनकी क्या लॉजिक है, कुछ समझ से बाहर। पहली वाटर क्रॉसिंग भी आ गई है।
ओ मैं कहता हूँ हीरो, तूने और वेट गेन कर लिया है। सर कितना गेन किया सर? बड़े पहले इतना सा था, अभी डबल हो गया है। मैं वही सोच रहा हूँ अगली बार तुझे जो है ना कोई ट्रेले पे लेके आना पड़ेगा। ओए यार सही बात है, बैंड बज गया, ब्रेक ही नहीं लगाई कहीं पे। मैं खैर पहले थोड़ा लेट हो गया था। क्या हाल चाल? खैर करिए लेट निकले आप। है यार मैं मेरा स्यापा भी तो देखे ना ज्यादा होता है वो, फिर तैयारी करते 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 जो है ना टाइम हो गया। She said I won't be back in a while, don't wait, already packed up. तो ये जनाब पहुंच गए हम मक्का रेस्टोरेंट पे वाला से थोड़ा सा पहले, और यहाँ पे अभी देख लिए सारे राइडर्स यहाँ पे बैठे हुए, और इन सारे भाइयों से पूछते हैं कि इनकी जर्नी कैसी रही है अभी तक। सो क्यों भाई हवेस जबरदस्त है, अजीब लग रहा है सफर, मुझे बहुत मजा आया, उम्मीद है कि आगे और ज्यादा। अच्छा कोटला का पहले आपका तो विजिट हुआ होगा पहले, आप तो रहते उधर। सही सही, तो सर आपका थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन भी बता दें और कहाँ से आए हैं और कोटला के बारे में क्या एक्सपेक्टेशन है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अहमद है और मैं लाहौर से हूँ, और कोटला मेरा फर्स्ट टाइम भी मैं आ रहा हूँ यहाँ पे, और लेकिन मौसम देख के और जो मैंने तस्वीरों में खूबसूरती देखी है वो मेरा ख्याल है कि इसको मिस करने वाला है नहीं है, बल्कि मैं कोटला को ज़रूर जाएँ, विजिट करें और इसको प्रमोट भी करें। जिंदाबाद जी जिंदाबाद। अली भाई ये सर रूहे रवा है ये कोटला फेस्टिवल के, अली भाई सवार ग्रुप के। अली भाई जी सर क्या फेस्टिवल हो रहा है थोड़ा सा आप बताएं। फेस्टिवल पराठे चने अंडे चाय, ये तो ये इधर का फेस्टिवल है ना जंगल मंगल वाला सर। बेसिक मकड़ा पीक को अदर वे से इंट्रोड्यूस करवाया जा रहा है, जब भी मकड़ा पीक की बात होती है लोग कहते हैं शोग्रान, शोग्रान से जाते हैं, लेकिन असल रास्ता इसका मुजफ्फराबाद कोटला से। अच्छा ठीक है, तो वो लोगों को इंट्रोड्यूस करवा रहे थे ये। और अच्छा आसान है ये एज कम्पेयर टू वैसे पाए से भी, इतना ज्यादा मुश्किल नहीं है हाइक उसकी, वैसे थोड़ा सा है इजी है ये, ये उससे भी इजी है। चार पांच अनएक्सप्लोर्ड बाकियों का भी ले आओ चीजें। अच्छा बता देंगे जल्दी जल्दी, जबरदस्त जबरदस्त आ जाओ। चलें जी नाश्ता सब ने कर ले तो एक ही दफा मंगवा के डिवाइड कर लेते हैं ना। वही मैंने कहा हां तो आ जाओ ना, आ जाओ मैंने तो पहले दे दिया था यहां पे, जितना आ जाए दो प्लेट चने ले आओ और दो तीन बैठे बैठे नहीं नाश्ता मैंने किया हुआ है। मैं नाश्ता कैसे भाई ये क्या तो शिक्षा पीऊंगा तो मैं बैठे बैठे सर बताए थोड़ा सा जो है ना फेस्टिवल के बारे में और कहाँ से आ रहे हैं। जैसे भैया मेरा नाम नईम है और इस्लामाबाद से। चलो जी आ जाओ, मेरा नाम मुझे भूख लग रही है, आ जा और मैं इस्लामाबाद से आ रहा हूँ। लाला जी आ जाओ, और अली भाई के साथ अक्सर जो है ना वो जाते रहते हैं। बिल्कुल सही, और ये कोटला टाइम भी था तो इंशाल्लाह जो है ना करते हैं। सही सही मकड़ा पीक तक जाएंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह इंशाल्लाह जज्बे जवान है हमारे हैदरदिल अजीज कामरान लाला। कामरान लाला आप बताएं जी मकड़ा पीक और इसके बारे में क्या एक्सपेक्टेशन है और कैसा रहेगा? इंशाल्लाह ठीक रहेगा, अल्लाह खैर और आफियत से ले जाए और वापस ले आए। मैं भी सवार ग्रुप का हिस्सा हूँ और फर्स्ट टाइम इस पॉइंट पे जा रहे हैं, उम्मीद है कि एंजॉय करके आएंगे इंशाल्लाह। हिस्सा नहीं होता है मेंबर होता है, हिस्सा गाड़ी का होता है। अच्छा ठीक है ठीक है, ये जो है ये हमारे बड़े शरारती राइडर है, हमारे सदर है और केसर भाई जो है ना केसर भाई अब ये भी बताएं कि मैं भी पहुंच जाऊंगा कि नहीं, आपने मेरे भाई की हालत देखी है। जी जी इंशाल्लाह पहुंचेंगे, और ग्रुप का यही फायदा होता है कि किसी भाई के साथ अगर कोई मसला हो जाता है उसको हम पीछे नहीं छोड़ते किसी सूरत। जिंदाबाद जिंदाबाद। कैसर भाई ने तो कहा कि एक पराठा आ गया तो ये मैं इस पे टूट पड़ूं। कैसर भाई थोड़ा बताएं। जी जी सर जी जी इंशाल्लाह जी हम कोटला जा रहे हैं जी, मुजफ्फराबाद से आगे हैं नीलम अली की तरफ है और वहाँ पर। अच्छा जी हाँ जी यार लगती तो चॉकलेट है आप जरा जारी रखिए। हाँ तो इंशाल्लाह हम मुजफ्फराबाद से होते हुए
पटिका की तरफ जाते जाते वहाँ से हम कोटला की तरफ जाएंगे और वहाँ पर बर्फ़पोश पहाड़ियाँ देखेंगे, मकड़ा पीक एक्सप्लोर करेंगे और स्पाइडरमैन बन जाएंगे। मकड़ा पीक को कहते हैं स्पाइडरमैन, जो भी जाएगा था स्पाइडरमैन जो है ना वहाँ पे था। वहाँ से हम हो सकता है शोकरान भी चले जाएं, पीछे से रास्ता निकलता है जो शोकरान नारायण का गान की तरफ, और फिर जी 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 वहाँ पर, और इंशाल्लाह वहाँ पर वो एक जंगली हाथ के वो जू भी बनाया हुआ है उन्होंने, एक कौमी जिसको कहते हैं नेशनल मछियारा है मेरा मछियारा नेशनल पार्क, वो भी उधर है। तो लाला जी के लिए उधर एक जगह बुक करवा ली हुई है मैंने। हाँ जी वो जी उधर आपके लिए करा ली है, वो मेरे लिए देख रहे, छोटी सी जगह है मुझे चाहिए होगी, लाला जी के लिए फुल बड़ी चाहिए। जिंदाबाद जिंदाबाद। ये जनाब सवार ग्रुप और यहाँ पे ब्रेक होगी अभी, फिर आगे जाते हैं, फिर आपको आगे के क्या व्यूज हैं। कोटला मैं भी पहली बार ही जा रहा हूँ और उम्मीद तो है कि बड़ा ज़बरदस्त होगा। मकड़ा पीक का फाइव मेडोज से तो रास्ता देखा होगा, कोटला की तरफ से जो है ना ये एक नया एक्सपीरियंस होगा, देखने वालों के लिए भी नया एक्सपीरियंस होगा। आई होप के सारे और अल्लाह करे सारे खैर खैरियत से जाएँ, कोई प्रॉब्लम ना हो। She said I won't be back in a while, don't wait. Already packed her bags, called the cab, made space. And she said I won't answer if you call me. Herself a guy, and he's good, no he's great. Everything she wanted packed behind the pretty face. But I kinda hope he breaks her heart into little pieces and let me make them all back. Kaise sir bhai? Ji ji. Rest kar liya aapne? Ji ji, bahut maza aaya. जी ये हम इस वक्त घोड़ी से आगे एक पटिका जाते हैं, रास्ते में एक जगह आती है बड़ी प्यारी, यहाँ पर होटल है और यहाँ पर पानी भी है, चश्मा भी है, कुदरती मिनरल वाटर है, पानी बड़ा बेहतरीन, पानी बेहतरीन है यहाँ पर, आए मज़ेदार पानी में लगा के बैठे, चाय पिए, खाना भी बेहतरीन है, सारा कुछ देसी है। यहाँ से आगे कितना घंटे का रास्ता है? यहाँ से वापस हम घोड़ी के पुल से लेफ्ट हो राइट हो जाएंगे और फिर इंशाल्लाह वो सामने जो वो आप देख रहे हैं टावर, वो टावर है, उस टावर के पास हमने जाना है, उससे पीछे जाना है, रोड उधर जा रही है, घंटे का रास्ता है, बड़ा अच्छा है, रास्ते में ऑफ रोड भी है, चश्मे हैं। चले जी देखते हैं, आज वैसे हालत तो हमारी टाइट हुई है, सही गर्मी इतनी शदीद, उसमें रास्ते से भी हम जो है ना गलत हो गए, बाकी गैंग पता नहीं किसी और साइड पे चला गया, हम किसी और साइड पे चले गए और अब बैठे हुए यहाँ पे रोड साइड पे ठंड प्रोग्राम करके। तो बहरहाल देखते हैं आगे पहुँचते हैं, फिर रिज्यूम करते हैं टुवर्ड्स कोटला। चलें सर, हम पहले अब क्या वो ये क्या बात सही है माशाल्लाह, मकई लेफ्ट साइड पे बड़ी ज़बरदस्त ऊंची लगी हुई है।
अगर गाड़ी दूसरी हो सकती है ना सर तो ठीक है। अच्छा पता है क्या है, ऐवी कोई नीचे कुछ टूट जाए बेला हो जाकर है। हाँ चलें 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 सर चलें। What the hell you didn't see? But honestly, I can't remember if I loved you, but it feels like I did when I think about you now. नहीं नहीं बिल्कुल बहुत चढ़ाई है सर, सख्त चढ़ाई है। मेरा असल में पीछे वजन भी है, ये आगे से भी ऊंचा है। सारा वो कोशिश इसकी होती है कि मैं आगे से उठ जाऊं, बस मैं आगे कर कर के आगे। यार भाई तेरी मेहरबानी, मैं सोच रहा हूँ दो डब्बे आगे यूं लगा दूं, वो जो साइडों पे पीछे लगे हैं ना वो आगे दो तो नीचे आ जाए। चलें सर आप आगे चलें। What if I just wanna be with you? Oh, I don't know what the hell I'm gonna do. But honestly, I can't remember if you loved me. Or maybe I'm just feeling lonely, I don't know. Just let it go. ये जनाब अभी हम जा रहे हैं कोटला फेस्टिवल के लिए, और कोई ट्रिप ऐसा नहीं हो सकता जिसमें कोई ना कोई एडवेंचर जो है ना मिस एडवेंचर ना हो। तो अब ये बाइक जो है ना इसका पता नहीं चेन का मसला है या फिर इसका क्लच प्लेटों का मसला है, बहरहाल ये खड़ा हो गया फिलहाल। देखते हैं अल्लाह करे चल पड़े, थोड़ा ठंडा हो और ऊपर चला जाए। Remember if I loved you, but it feels like I did when I think about you.